नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ गुरुकुल द ओसन नॉलेज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें ये प्रश्न पूछते हैं कि लक्ष्मी माता का कोई मंत्र कर दो, मंत्र बता दो, या फिर लक्ष्मी माता का कोई मंत्र साधना बता दो, नारायण भगवान की कोई मंत्र साधना बता दो, जैसे घर में धन प्राप्ति हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। इस प्रकार से बहुत सारे जो है हमारे पास प्रश्न आता है, लेकिन आज हम आप सभी को बताएंगे कि क्या मंत्र जाप करते हैं, फिर भी अगर ये गलती करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, तो आप निर्धन बन सकते हैं और आपके घर में दुख, रोग, क्लेश सब कुछ आपको मिल सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते, बस देखते रह जाएंगे। देखिए, मंत्र साधनाएं, मंत्र उपासनाएं तभी काम करते हैं जब आप बाकी सारे जो समस्या है उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए भी कोशिश करते हो। यानी आप अगर मंत्र साधनाएं करते हो लेकिन किसी ना किसी परिस्थिति में आप कुछ दूसरा ऐसा कार्य कर रहे जिससे आपकी जो है जो देवता हैं, आपकी जो देवी हैं, वो आपके ऊपर रुष्ट हो रही हैं, तो आपको कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, आज मैं कुछ साधारण सा बात बताऊंगा जो सभी को पता भी हो सकता है। मैं इसके बहुत सारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सारे बात लिखा गया है किस प्रकार से अपने जीवन को चलाएं मंत्र साधक, ताकि आपको श्री तत्व बढ़े और आपकी जीवन में सुख समृद्धि आपको प्राप्त हो। लेकिन ये सब बात अगर करते हैं, इस सारे चीज़ को करते हैं, तो आपको बहुत हानि उठा सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम बात है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर में कोई भी अगर काम करने के लिए आते हैं लोग, या फिर आपका घर में कोई जो भी है ज़रूरतमंद लोग जो कि आपके घर में सफाई वगैरह करते हैं, कुछ करते हैं, सर्वप्रथम बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उनको। हाँ ठीक है, कभी आप उनको बोल देते हो कि इसको करना है, ये करना है, वो ठीक है, अलग है, लेकिन हमेशा उनका ऊपर दुर्व्यवहार करना, उनका जो तनख्वाह है, उनका जो पैसा है, उनका मत उनको ना देना, उनको जो खाने का चीज़ है आप उनके सामने खाते हो, कुछ भी करते हो, उनको थोड़ा सा भी नहीं देना, उनकी ज़रूरत में जब वो आपसे कुछ मांगे, आपको सहायता मांगे, आप ना करना, ये अगर करते हो तो आप यकीन मानो आप दुनिया में कोई भी मंत्र साधना कर दो, आपके घर में किसी भी प्रकार की सुख समृद्धि होने वाला नहीं है, सुख समृद्धि होने वाला नहीं, इस बात का मैं गारंटी देता हूं। जितना आप उन प्रकार जो लोग आपके घर में काम करते हैं उनको जितना आप खुश रखोगे, आपकी घर में तरक्की और भी बढ़ेगी, ठीक है, ये एक बात है। दूसरी बात है, लोग क्या करते हैं, लोगों का हर चीज़ का आदत हो जाता है मॉडर्न लाइफ में, कोई चीज़ नीचे गिरा है, चाहे वो कपड़ा हो, कोई भी चेयर हो वगैरह हो, वो हमेशा उसको पैर पर लात मारते रहते हैं, चलो यहाँ पे रख दो, ये कर दो, कपड़े को पैर से उठाएंगे, ऐसे करते हैं। देखिए, आप जो खाना खाते हो, आप जो आपके जीवन में जिस तरह से आप रहन सहन है, सब कुछ जो है आपकी उत्तम कर्म के वजह से और आपकी सौभाग्य के वजह से और माता रानी माता लक्ष्मी माता की कृपा के वजह से है। अगर इस प्रकार से आप कार्य करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हानि उठाना पड़ेगा। इसलिए कोई भी अगर वस्तु पड़ा है, आप उसको पैर से ठोकर ना मारे, उसको हाथ से सोसमान उठा के जैसा था वैसा रखे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिन के 7 बजे 8 बजे उठ जाएंगे, 10-11 बजे तक उनका बेड वैसे ही पड़ा रहता है, कहाँ पे पिलो, कहाँ पे गद्दा, कुछ ठिकाना नहीं है। दिन के 12 बजे तक कोई नहाना वगैरह नहीं है, इधर उधर घूमना, अच्छा ठीक है, अगर आपके पास काम है, कहीं जाते हो, कुछ आपको जरूरी काम है तो ये बात है, वरना आप कोशिश करें कि आपकी जो नित्य कर्म है उसको जितना समय हो सके सही समय में ही उसको संपन्न करने की कोशिश करें, इससे आपकी श्रीत्व बढ़ेगा और घर में एक पॉजिटिविटी जरूर फैलेगा। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में जो होते हैं, अच्छा ठीक है, घर में कोई बहुत ज़्यादा लोग बीमार है, घर की कार्य ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, 10-15 दिन में घर में थोड़ा जो डस्ट वगैरह है उसको साफ करना, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करें कि आप घर में ज़्यादा डस्ट ना रखें, घर को पूरी तरह से साफ रखें, ताकि आप लोगों की घर में जो पॉजिटिव ऊर्जा वो भी बनी रहे, जैसे कि कहीं पर जो भी वगैरह डस्ट वगैरह है साफ करते जाए। और सबसे बड़ी बात है, घर में निरंतर घर में शुद्ध जल का या फिर गंगा जल का छिड़काव करें, या फिर आप जो है
पूरी तरह से घर में एक सुगंधित अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती का प्रयोग करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में जो है जितने भी सारे बासी कपड़े हैं जो कल पहने थे, उसको 2 दिन 4 दिन तक रखते हैं, उसको बिल्कुल भी साफ़ नहीं करते, इंतज़ार करते हैं 8-10 दिन होगा फिर एक इकट्ठा करके करेंगे। भाई ठीक है, अगर तबीयत वगैरह का इशू है, एक साथ में नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपको उसको करना है। यानी मेरे कहने का यही मतलब है, घर को पूरी तरह से साफ स्वच्छ रखें, इससे आपकी जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव आएंगे। और आप देखना, बहुत सारे लोग मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इस प्रकार से आपको जीवन को, आपको बोलते हैं कि हमें काम नहीं दे रहा है, कुछ फल नहीं मिला, तो आपकी पार जिस जगह पे रहते हैं आपको उस जगह को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस जगह पे आप साधना करते हो वो आपके लिए मंदिर बन जाता है, वो घर पूरी तरह से आपके लिए मंदिर बन जाता है। इसीलिए अगर उस मंदिर में आप अगर स्वच्छता नहीं रखोगे और पूजा पाठ करोगे तो बिल्कुल भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग होते हैं कि मंत्र जाप करते हैं और एक अनैतिक चीज़ जो करते रहते हैं, क्योंकि वो क्या है कि ठीक समय पे नाखून ना काटना, बाल ना काटना, और जो कर्म है आपकी नित्य कर्म वो ठीक से ना करना, ये बहुत ही गंदी चीज़ है। इसको अगर आप करोगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए आप कोई ऐसी संस्था में हो जहाँ पे आपको हर दिन आपको सेविंग करना रहता है, आप कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे तिथियाँ हैं जैसे अमावस्या, संक्रांति, इस प्रकार से यहाँ पे लोग बिल्कुल भी खैर वगैरह नहीं होते हैं, आपको उसमें भी परहेज रखना चाहिए। अगर आप देखिए, अगर आप ऐसे पोजिशन में हैं जहाँ पर आपको नित्य कर्म डेली आपको शेविंग करना है, जाना है, वो अलग बात है, वहाँ पर परमात्मा को भी पता है कि ये कैसा है, क्योंकि कर्म जो होता है, कर्म बहुत बड़ा धर्म होता है सही तरह से उसको करने के लिए, तो इसीलिए आप उसको कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर मंत्र जाप करते करते आप क्या करते हो, घर के सामने कोई मंत्र साधनाएँ वगैरह करते हो, ये बात मंत्र साधना की नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे कार्य को करेगा तो उसका जीवन में कभी भी लक्ष्मी प्राप्ति नहीं होगी, कभी भी उसके जीवन में उन्नति नहीं होगी। तो घर के सामने कोई पशु आते हैं, घर के सामने गौ माता वगैरह आते हैं, कुछ करते हैं, आप अगर आपके पास कुछ है, रोटी वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उनको खाने के लिए दीजिए। बहुत सारे लोग कुत्तों को देखते हैं तो उनको, उनके ऊपर पत्थर मारने लगते हैं, उनको भगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से भी बहुत सारे आपके जीवन में परेशानियां आते हैं। जैसे देखा जाए तो जीवन को सुधारने के लिए बहुत ऐसे बात हैं जिसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए थोड़ा बहुत जो जीवन को आप ठीक करेंगे उसके निमित्त हमने कुछ बताया है। इसलिए इस वीडियो के सारांश में हमें ये जानने को मिला है कि आप लोग क्या करें कि आप लोग अपने नित्य कर्म दिनचर्या को सही रखें, घर को साफ स्वच्छ रखें, घर में जो लोग हैं, नौकर वगैरह जो भी काम वगैरह करते हैं, ज़रूरतमंद व्यक्ति, उनको साथ आप व्यवहार खराब ना करें। घर के सामने कोई आते हैं जीव पशु जंतु, उनको कुछ खाने के लिए दीजिए। घर में आप कोई बासी कपड़े वगैरह, उसको भी ये ना करें। घर में झाड़ू पोछा ठीक समय से लगाए, अपनी पूजा कक्ष को सुगंधित द्रव्य या फिर पूरे घर को आप हमेशा बीच बीच में गंगा जल से आप घर को पूरी तरह से गंगा जल छिड़काव करें, घर को साफ करें, सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती लगाएं और घर की वातावरण को शुद्ध रखें। इस प्रकार से अगर करेंगे तो आपको जरूरी आपके जीवन में शुभता मिलेगा, आपके जीवन में बहुत अच्छे आपको मिलेंगे, सारे फल मिलेंगे और आप कुछ अच्छे काम कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।